हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पतिदेव सिंदूर की डिब्बी लेके खड़े हैं और मेरी मांग भर रहे हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मांग क्यों भर रहे हैं। तो भाई, आज स्पेशल दिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैंने इनको बोला कि आज मेरी मांग भरो। तो बोलते हैं, इतने साल से तो कभी नहीं बोला, पहली बार मैंने बोला, मेरा मन किया इसलिए मैंने इनको बोला मांग भरने के लिए। और इन्होंने ना 3 बार मांग भरी है। और आप लोगों को पता होगा कि मांग हमेशा 3 बार भरते हैं, चाहे खुद से भरो या पति से भरवाओ, क्योंकि शादी जब होती है ना हम लोगों की, तब भी मांग 3 ही बार भरी जाती है। तो इनसे मैंने 3 बार मांग भरवाई है और इनके पैर छू लिए। और पैर छूने का मौका क्या साल में हुई, 1-2 बार तो हम लोग पैर छूते हैं। एक एनिवर्सरी हो गई, एक करवा चौथ हो गई, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हम दोनों लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि बारिश का टाइम है और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है। तो सोच रही हूँ पास के मंदिर में होके आती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे और बच्चों को घर पे ही छोड़ दूँगी, आधा घंटे के अंदर आ जाऊँगी। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है मेरी। बजरंगबली के मंदिर में भी भीड़ नहीं थी, इन्होंने पूजा की, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े थे। और शिव जी के मंदिर में भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम आराम से बैठ के दिया भी जलाया, पूजा भी की, बहुत अच्छे से पूजा कर ली, कोई भी नहीं था। यहाँ पे वैसे भीड़ रहती है, कोई ना कोई तो हमेशा ही रहता है मंदिर में, कभी खाली मंदिर जल्दी मिलता नहीं है। और मॉर्निंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कितना भी जल्दी आओ, 10 बजे आओगे ना तो भी भीड़ मिलेगी, 11 बजे आओ तो भी भीड़ मिलेगी, 9 बजे आओ तो भी भीड़ मिलेगी। इस मंदिर में तुम कोई भी टाइम आओ ज़रूर भीड़ मिलेगी। लेकिन आज सच्ची में कोई भी नहीं था, बहुत दिल खुश हो गया मेरा पूजा करके, बहुत अच्छा लगा है। और जब भीड़ होती है ना तो अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है, जल्दी जल्दी में फिर ऐसा लगता है जल्दी निकलूँ क्योंकि दूसरे को पूजा करनी है। लेकिन आज जब कोई नहीं था तो बहुत अच्छे से हम दोनों ने पूजा की, जल चढ़ाया, दिया जलाया और प्रसाद चढ़ाया। पूजा तो हो गई है, अच्छे से हो गई है। और इसी मंदिर में एक बहुत बड़ी गौशाला है, तो गाय माता को भी लड्डू खिला रही हूँ, ये मैंने यहीं से लिए हैं, ये गाय के लिए स्पेशल बनते हैं लड्डू, मंदिर में ही मिलते हैं, घास है, लड्डू है, गाय के लिए मिलती है, जो लोग आते हैं इनसे खरीद के इनको यहाँ खिला देते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे। Thank you.
मंदिर से आई, फिर नाश्ता किया। जो नाश्ता के बर्तन थे वो गौरी ने धो दिए थे। आज गौरी की छुट्टी थी स्कूल की, यानी कि ऑनलाइन क्लास चालू रहती है, उसकी आज छुट्टी थी, इसलिए आज गौरी ने धो दिए थे। जब उसका क्लास रहता है तो मैं धो देती हूँ, क्योंकि उसको ना फिर 2 बजे के बाद ही छुट्टी मिलती है, 2 बजे के बाद ही काम करेगी, वरना फिर 2 बजे के बाद तो खाना का टाइम हो जाता है, फिर खा के कभी कभी तो ना खाना खा के फिर पढ़ाई करने लगेगी। और आज सैटरडे था इसलिए छुट्टी थी, वरना तो उसकी चालू ही रहती है, सुबह 8 बजे 8:30 बजे से 2-2:30 बज जाता है, कंटिन्यू क्लास रहती है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा, हाँ बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें नाश्ता कर लो या खाना खा लो, क्या बच्चे 10 मिनट में बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी इतनी देर के ब्रेक में मैं कैसे खाना खाऊंगी, इसका मतलब मैं बाद में ही खाएंगे, तो बच्चे लोग कभी कभी खाते ही नहीं है ब्रेक 10 मिनट के चक्कर में। और दोपहर के खाने में ना मैं आज बना रही हूँ कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और धनिया की चटनी और दही और खीर। खीर उधर बन रही है, देखो छोटी वाली गैस पे मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, और उधर जब तक खीर बनती रहेगी तब तक मैं इधर आलू है ना जो मैंने छील के ठंडे करने रख दिए थे, क्योंकि गरम गरम आलू फोड़ने से भी नहीं होता है और गरम गरम आलू से भरता बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि गरम आलू में अगर नमक भी डाल देंगे ना तो भरता तुरंत गीला हो जाएगा, इसलिए उनको छील के पहले ठंडा करने रख दिया। और इधर चटनी पीस ली है मैंने धनिया की, चटनी पीस के रख दी साइड में, और बाटी खाली कर लूँगी, चटनी की बाटी खाली कर लूँगी, क्योंकि ना बाटी में चटनी रखने से ना बाटी ख़राब भी हो जाएगी जल्दी, इसलिए चटनी पीस के तुरंत मैं बाटी से चटनी निकाल लेती हूँ, कभी भी चटनी बाटी में रखती ही नहीं हूँ कंटिन्यू, आधे घंटे भी नहीं छोड़ूंगी इसको, तुरंत पीस के निकाल लूँगी, क्योंकि उसमें ना धीमे धीमे अंदर पानी जाता है तो बाटी घूमनी बंद हो जाती है, इसलिए मैं उसको निकाल ली। इधर आलू ठंडे हो गए हैं तो इसमें मसाला डाल के मैं भरता बना के रख दूंगी, और इसी बर्तन में भरता बना के निकाल दूंगी दूसरे बर्तन में, फिर इसी बर्तन में मैं आटा गूंद लूंगी बाद में। और उधर खीर भी बनने वाली है, थोड़ी सी कसर बाकी बची है वो भी बन जाएगी। जो मैं नमक निकाल रही हूँ ना इसमें मैं एक्स्ट्रा नमक रखती हूँ, उसी डिब्बे से डाल रही हूँ, छोटा डिब्बा रखती हूँ ना वो मैंने धो के रख दिया है तो गीला है, उसमें मैं बाद में निकाल लूंगी। आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा डिब्बे से नमक डाल रही हो, तो वो एक्स्ट्रा नमक का डिब्बा है। इधर खीर भी बन गई है और उधर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है और भरता को भी निकाल के दूसरे बर्तन में रख दिया है। और अब मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, तेल गरम हो चुका है और इनको मैं फटाफट बेल के भर के रख लूँगी, फिर बाद में सेक लूँगी। और ये बाहर बैठे टीवी देख रहे हैं, इनको बच्चों को पहले दे दूँगी खाना और मैं बाद में खाऊँगी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है, भूख का भी टाइम है और मैं तो बना के ही खाऊंगी लास्ट में। वैसे तो मैं साथ में खा लेती हूँ, लेकिन कचौड़ी वगैरह होती है ना इनको तो मैं बाद में ही खाती हूँ बना के, इन लोगों को पहले खिला देती हूँ।
आधी कचौड़ी बन गई है और आधी कचौड़ी बना की है। पहले इन लोगों की थाली लगा दे रही हूँ मैं बच्चों की और इनकी, ये लोग खाएंगे, इसके बाद मैं बाकी कचौड़ी भी सेक लूँगी। दही है, चटनी है और कचौड़ी है और खीर है, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी हो गई है शाम और मैं कर रही हूँ टेबल साफ। इस पे जो सामान वगैरह रखा था फालतू का सब हटा दिया है। कितना भी ऑटरम सटरम घर में बच्चे लोग रख ही देते हैं, हम लोग भी रख देते हैं टेबल पे, तो पूरा टेबल को क्लीन कर दूंगी और शाम को केक भी काटूंगी, इसलिए सोचा इसको अच्छे से साफ देती हूँ। करना तो है ही, अभी कर लो या बाद में करो, और झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी। तो चलो कर लेती हूँ घर के काम और हो जाती हूँ फ्री, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और जो अगला ब्लॉग आएगा उसमें कटेगी एनिवर्सरी की केक, और जो छोटी सी पार्टी है बस वो एंजॉय करेंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आएगा। क्योंकि ये क्लिप अगर उसमें डाल दूंगी ना तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए अगले ब्लॉग में देखना, ज़रूर देखना। और चलो बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।